हेलो स्टूडेंट्स, सो वी मेट अगेन। लेट्स क्रैक नीट यूजी विद मी एंड अन अकेडमी। मैं हूं आपकी एजुकेटर, आपकी एमबी मैम डॉक्टर मीतू भावनानी। पिछले 7 सालों से नीट के स्टूडेंट्स को पढ़ा रही हूं और बाय प्रोफेशन डॉक्टर हूं। तो दोबारा मिले हैं हमें सुपर कूल चैनल लेट्स क्रैक नीट यूजी पे। स्टूडेंट्स, आप लोग जुड़ चुके हैं अन अकेडमी, जो कि इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म बन गया है। हम लोग रोज जुड़ रहे हैं, रोज नए सेशंस के साथ आ रहे हैं। तो दोबारा सेशन स्टार्ट होने वाला है। मैक्सिमम से मैक्सिमम स्टूडेंट्स इसको ज्वाइन करिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। पैटर्न और तरीका मैं आपको हमेशा बताती हूँ, आगे भी बताऊंगी। तो इस सेशन में हम लोग आज एक न्यू चैप्टर देखेंगे, वन शॉट वन वीडियो, फटाफट रिवाइज कर रहे हैं। मैंने स्टूडेंट से प्रॉमिस किया है कि 7 to 8 जुलाई तक मैं आपके नीट का 2 बार कोर्स करवा दूंगी, इंडिविजुअल चैप्टर्स को वन शॉट वन वीडियो में और यूनिट्स को मैराथन वाइज में। तो पहले मैं इंडिविजुअल चैप्टर को उठा रही हूँ। कल के वीडियो में एक स्टूडेंट ने कहा था कि मैम आप रैंडमली टॉपिक्स मत उठाइए, ठीक है। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं एक सीरीज वाइज टॉपिक उठाऊं तो मैं सीरीज वाइज टॉपिक उठा लूंगी, ठीक है। तो आज हम लोग ये सेशन पढ़ लेते हैं, फिर ये जो चैप्टर होगा इससे रिलेटेड जो नेक्स्ट सीरीज का चैप्टर हो मैं वही उठाती जाऊंगी। प्लांट फिजियो एनिमल फिजियो में ऑल्टरनेट लू, ठीक है। अब स्टूडेंट्स, मैंने अगेन आपको बताया है अन अकेडमी इंडिया का नंबर वन प्लेटफॉर्म है, वो आपको हर चीज की सुविधा दे रहा है। आप घर से बैठकर डिवाइस से कंफर्ट लेवल पे एजुकेशन को ले सकते हैं। उसके लिए आपको अन अकेडमी लर्निंग ऐप को इंस्टॉल करना पड़ेगा। अपने फोन के प्ले स्टोर में जाकर अन अकेडमी लर्निंग ऐप को टाइप करिए, उसका ऐप आ जाएगा, आइकॉन आ जाएगा, आपको इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद आपका जो भी फेवरेट कोर्स है, जैसे आप नीट यूजी के एस्पिरेंट है, मैं नीट यूजी के एजुकेटर हूं, बायोलॉजी लेती हूं, तो उसका आपको सब्सक्रिप्शन लेना है। सब्सक्रिप्शन 1 and 2 ईयर का बेस्ट है स्टूडेंट्स, इज इट क्लियर। सब्सक्रिप्शन लेने के बाद आपको डेली लाइव क्लासेस मिलेंगी, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, लाइव टेस्ट एंड अनलिमिटेड एसेस। अगेन 1 and 2 ईयर सब्सक्रिप्शन बेस्ट है। ये 3 बेनिफिट्स आपको अन अकेडमी लर्निंग ऐप को इंस्टॉल करने के बाद, सब्सक्रिप्शन लेने के बाद आपको मिल रहे हैं। इतने टेस्ट, इतने कोर्सेज दूंगी कि आपको खुद को ऐसा लगेगा कि हाँ यार बस ये पढ़ लो और नीट में सिलेक्शन पक्का है, गारंटी। इज इट क्लियर। अब 1 and 2 ईयर सब्सक्रिप्शन बेस्ट है स्टूडेंट्स। आप मेरा कोड MB10 यूज करिए और आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड 10% का डिस्काउंट मिलेगा। अगेन 1 and 2 ईयर सब्सक्रिप्शन बेस्ट है स्टूडेंट। मैं आपके एजुकेटर हूं, खुद स्टूडेंट लाइफ से निकल चुकी हूं, तो मुझे पता है कि इसकी तैयारी कोई, मतलब इसकी तैयारी को एक प्रॉपर टाइम चाहिए और वो टाइम 1 and 2 ईयर होना ही चाहिए। 1 ईयर बेस्ट है, 2 ईयर लोगे तो उससे भी ज्यादा बेस्ट है, ठीक है। MB10 प्रोमो कोड को आपको यूज करना है, 10% डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। सो दीज आर द बेस्ट सब्सक्रिप्शन, ठीक है। आज हम कौन सा टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं? नीट यूजी का क्लास 12th का टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। ये जो पूरी यूनिट है इसका पहला टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। अगर इसके वेटेज के बारे में बात करें तो अगेन 2 से 3 क्वेश्चन आते ही आते हैं। ये मैं 2 से 3 क्यों लिखा रही हूं, क्योंकि एवरेज है, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकते हैं, 3 भी आ सकते हैं। तो आप बताओ, अगर छोटे 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 बहुत सारे चैप्टर्स को आपने कवर अप कर लिया और 3-3 क्वेश्चन भी आए, और मान लो 15 चैप्टर है, तो 15 × 5 कितने होते हैं, 65 क्वेश्चन तो आपके वैसे ही पक्के हो गए हैं। देखो 90 में से 65 क्वेश्चन तो आप यूं ही सही करके आ गए हो एक ही अटेम्प्ट में। फिर थोड़ा सा फिजिक्स केमिस्ट्री देख लो, फिर वापस से बायोलॉजी पर आ जाओ, फिर हम लोग वेटेज उठाएंगे ना आपके, एनिमल फिजियो के क्वेश्चन डालेंगे, प्लांट फिजियो के डालेंगे, जेनेटिक्स को डालेंगे, बायोटेक को डालेंगे। आई बात समझ में? तो छोटे छोटे चैप्टर्स में 65 क्वेश्चन तो आपके ऐसे ही सही हो गए। अब चैप्टर पे आते हैं, वन शॉट वन वीडियो ले रहे हैं। रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? टू रिप्रोड्यूस। एक ऑर्गेनिज्म है वो अपने जैसा एक और ऑर्गेनिज्म को पैदा कर सकता है। ले देखिए, अगर सिंपल भाषा में बात करें तो प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग इज रिप्रोडक्शन, ठीक है। हम लोग इंट्रोडक्शन की बात करेंगे, उसमें लाइफ स्पैन, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन में ए सेक्सुअल एंड सेक्सुअल। तो यहां पर फोकस क्या है आपका, सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। ये एक फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। सिंपल कहें तो यहां पर बात आती है प्रोडक्शन
of offsprings. हम बोलते हैं ना कि life existed from pre-existing. Life comes from pre-existing life. Reproduction इस चीज को पूरी तरीके से satisfy करता है. Life comes from pre-existing life. मैं मेरे मदर फादर से आई हूं, मेरे मदर फादर उनके मदर फादर से आए हैं, तो देखो एंसेस्ट्रल रिलेशनशिप भी हो रहा है और एक के बाद जनरेशन बढ़ भी रही है. गेटिंग माय पॉइंट? अब दूसरी बात यह है कि ये एक ऐसा बायोलॉजिकल प्रोसीजर है. बायोलॉजिकल प्रोसीजर मतलब कोई भी नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता है. नो नॉन लिविंग कैन रिप्रोड्यूस. कोई भी नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते. ये पेन अपने जैसा एक और पेन नहीं बना सकता है, लेकिन एक कैट अपनी जैसी एक कैट बना सकती है, एक डॉग अपने जैसा एक और डॉग बना सकता है, एक ह्यूमन बीइंग अपने जैसा एक और ह्यूमन बीइंग बना सकता है. तो इन विच लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूसेस न्यू ऑर्गेनिज्म ऑफ इट्स ओन काइंड. डॉग कभी भी कैट को नहीं बनाएगा, ह्यूमन बीइंग कभी डॉग को पैदा नहीं करेंगे, वो अपने जैसा ही अपने ही जेनेटिक कॉम्पोजिशन वाला ऑर्गेनिज्म बनाएंगे. लिविंग वर्ल्ड में मैंने इससे पहले जो कल लेक्चर लिया था, ये डिफाइनिंग फीचर है. अगर आप लिविंग को नॉन लिविंग से कैटेगराइज करोगे तो ये डिफाइनिंग फीचर है, बहुत सही डिफाइनिंग फीचर है. लेकिन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में भी एक्सेप्शंस आते हैं. कौन से? जैसे म्यूल्स हैं, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन को क्रॉस कर दिया है आपने, डोंकी को हॉर्स के साथ मेट करा दिया है, टू डिफरेंट स्पीशीज के ऑर्गेनिज्म के साथ इंटरब्रीडिंग हुई है, तो जो ऑफस्प्रिंग बनेगा वो आगे चल के कभी भी फर्टाइल नहीं होगा. देन वर्कर बीस एंड कभी कभार कुछ इनफर्टाइल मेल्स एंड फीमेल्स होते. बहुत सारे रीजंस होते हैं, जैसे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में कोई प्रॉब्लम है, कोई माल फंक्शनिंग है, गैमिट नहीं हो रहा है, गैमिट की मोटिलिटी नहीं है. सो मेनी पैथोलॉजिकल कंडीशंस आर रिस्पॉन्सिबल. ठीक है, रिप्रोडक्शन एक छोटे से छोटा ऑर्गेनिज्म यूनिसेल्यूलर, अगर आप बैक्टीरिया को डालें तो भी बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस करेगा. भाई अगर अपनी प्रोजेनी को आगे बढ़ाना है, अपने नंबर को आगे बढ़ाना है, तो रिप्रोडक्शन करना ही पड़ेगा. प्रोटिस्ट, ठीक है. और मल्टी सेल्यूलर में हम लोगों ने फंजाई ले लिया, प्लांट्स ले लिए एंड एनिमल्स. गेटिंग माई पॉइंट? रिप्रोडक्शन नॉट असेंशियल फॉर सर्वाइवल. सबसे इंपॉर्टेंट बात, सिर्फ प्रोजेनी को आगे बढ़ाने के लिए रिप्रोडक्शन किया जाता है. अगर कोई ऑर्गेनिज्म अपने पूरे लाइफ स्पैन में रिप्रोडक्शन नहीं करे, ऑफस्प्रिंग्स नहीं बनाए, तो उसकी वजह से उसकी डेथ कभी भी नहीं होगी. ठीक है, अब लाइफ स्पैन क्या होता है? पीरियड फ्रॉम बर्थ टू नेचुरल डेथ. नेचुरल डेथ मतलब प्रॉपर आपने लाइफ स्पैन निकाला है, नेचुरली मेटाबॉलिज्म बंद हो गया है और डेथ हो गई है. अनवांटेड डेथ में क्या है? छोटा अचानक हार्ट अटैक आ गया, एक्सीडेंट हो गया, कोई नेचुरल कैलमिटी हो गई, अचानक है. मतलब इट इज नॉट ओके, नेचुरल कैलमिटी आना नेचुरल है, लेकिन वो जरूरी नहीं है कि हर पर्सन की नेचुरल डेथ करे. नेचुरल डेथ मतलब बॉडी से डेथ होना, बायोलॉजिकल डेथ को कंसिडर करना कि बॉडी का मेटाबॉलिज्म था वो बहुत टाइम से चल रहा है, धीरे धीरे डीजेनरेट हुआ और बंद हो गया चलना. मेटाबॉलिज्म बंद, देन डेथ अगर. लाइफ स्पैन, जीवन काल फ्यू मिनट से लेके इयर्स तक हो सकता है. जैसे मे फ्लाई है, मे फ्लाई सिर्फ एक दिन जीती है, सुबह पैदा होगी, दिन में रिप्रोडक्शन करके अंडे दे देगी, रात तक मर जाएगी. फिर वही मे फ्लाई वापिस से रिप्रोड्यूस करेंगी, रात तक मर जाएंगे. तो वन डे से हम लोग कह सकते हैं कि किनी किनी का लाइफ स्पैन फ्यू मिनट्स भी होता है. पैदा हुए और डेथ हो गई, पैदा हुए 5 मिनट बाद डेथ हो गई, तो सिर्फ मिनटों में ही लाइफ स्पैन खत्म हो गया. जाइंट टॉर्टोइस लॉन्गेस्ट लिविंग एनिमल, इंपॉर्टेंट है. अभी एम्स और नीट को मर्ज कर दिया है, तो कहीं ना कहीं एम्स का कोई जीके का पैटर्न या फिर उसके टफ क्वेश्चन जरूर नीट में आएंगे. 100 to 150 years. बटरफ्लाई 1 to 2 weeks. मैन की नॉर्मल एज अब 100 years क्यों कही गई है? क्यों? इंक्रीमेंट इन द मेडिकल फैसिलिटीज.
पैरेट है 140 इयर्स लार्ज लाइफ स्पैन, बनियान ट्री पीपल बहुत लंबे लंबे लाइफ स्पैन है क्योंकि प्लांट्स में तो वैसे भी हम लोग अनलिमिटेड ग्रोथ को देखते हैं, ठीक है। उसके बाद जो अब देखो मैंने लिखा हुआ सब कुछ वन शॉट वन वीडियो में हम लोग मेन मेन चीजों को देखेंगे। देखो लाइफ स्पैन किसी भी ऑर्गेनिज्म का होता है ना वो फोर स्टेजेस में होता है। जुविनालिटी, पैदा हुए ही हो चीजें उतनी मैच्योर नहीं हुई है लेकिन मैच्योर होने की कोशिश कर रही है। मैच्योरिटी, मैच्योर हो गई है मतलब फंक्शन एलोकेशन, गेटिंग माई पॉइंट। एजिंग एंड सेनेसेंस, बुढ़ापा आ गया है, धीरे धीरे जो चीजें मैच्योर हुई थी फंक्शनल हुई थी उनकी एफिशिएंसी क्या हो रही है, डल हो रही है, एफिशिएंसी डिक्रीजेस, डल होती होती बिल्कुल खत्म हो गई और फाइनली डेथ हो गई। इज इट क्लियर? डेथ मीन्स परमानेंट सेसेशन ऑफ ऑल फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी, कोई डाइजेशन, कोई रेस्पिरेशन, कोई एक्सक्रीशन, कोई भी न्यूरल कोऑर्डिनेशन, केमिकल कोऑर्डिनेशन, कुछ भी नहीं, एवरीथिंग इज स्टॉप्ड। दूसरी बात, लाइफ स्पैन नॉट रिलेटेड टू साइज ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। ये नीट में बहुत ही सिंपल क्वेश्चन बन के आता है। चींटी एक छोटी साइज की है, उसका लाइफ स्पैन अच्छा खासा हो सकता है। हाथी एक बड़ा ज्वाइंट ऑर्गेनिज्म है, वो चींटी से जल्दी मर सकता है। तो लाइफ स्पैन साइज ऑफ ऑर्गेनिज्म पे नहीं डिपेंड करता है कि भाई साइज बड़ा है, नंबर ऑफ सेल्स बहुत सारे हैं तो ज्यादा टाइम तक मेटाबॉलिज्म चलेगा तो ज्यादा लंबी लाइफ होगी, डेथ लेट आएगी, ऐसा नहीं, ठीक है। कोई भी इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म अमर फल खाके नहीं आया है, सबको एक दिन मरना है। जो भी पैदा हुआ है उसको एक ना एक दिन मरना है, ठीक है। लेकिन हम लोग अमीबा को इमोर्टल क्यों कहते हैं, क्योंकि वो वैसा का वैसा पैदा होता है। मैं कहती हूं कि अमीबा भी कैसे इमोर्टल हुआ, भाई पेरेंट ने आपके दो ऑर्गेनिजम्स को बनाया है तो पेरेंट के पास जो भी था वो उसने डॉटर को दिया है, पर इसका मतलब ये थोड़े कि पेरेंट खत्म ही हो गया है। पेरेंट अमीबा अभी भी है और थोड़े टाइम बाद वो मर जाएगा। इज इट क्लियर? सो नो बडी इज इमोर्टल। रिप्रोडक्शन क्यों जरूरी है, कंटिन्यूटी ऑफ स्पीशीज के लिए। ले देखिए, इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ पॉपुलेशन, वेरिएशंस एंड लाइफ। वेरिएशन सिर्फ और सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखा जाता है, बताऊंगी कैसे। अब टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन में दो तरीके के आते हैं। पहला है ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दूसरा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ए सेक्सुअल मतलब ए एब्सेंस ऑफ सेक्स ऑर्गन्स, एबसेंस ऑफ सेक्स ऑर्गन्स, ठीक है। एबसेंस ऑफ सेक्स ऑर्गन्स मतलब अगर सेक्स ऑर्गन्स नहीं होंगे तो उनका जो स्पेशलाइज वर्क है गैमीट फॉर्म करने का वो भी नहीं होगा। नो गैमीट फॉर्मेशन, नो गैमीट फ्यूजन, नो गैमीट फॉर्मेशन एंड फ्यूजन। Getting my point, students? A मतलब absent, everything is absent. तो किसी ना किसी तरीके से तो reproduction होगा ना। इसमें जो whole body of organism है, एक ही body की जरूरत है इसको reproduce करने के लिए, तो ये क्या है, uniparental. Only one parent means one body. ठीक है। अब एक ही पेरेंट की जरूरत है, कोई सेक्स ऑर्गन्स नहीं है, मतलब बॉडी में एज सच कोई आपको बहुत ज्यादा फिजियोलॉजी की जरूरत नहीं है, कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, तो वेरी इजी सिंपल एंड प्रिमिटिव टाइप एंड लेस डेवलप, ठीक है। एसेक्सुअल क्यों है, अगेन नो क्वेश्चन ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गैमीट्स। अब मुझे एक बात बताओ, एक पेरेंट की बॉडी एसेक्सुअल में इन्वॉल्व हो रही है तो जो भी पेरेंट के पास होगा एज इट इज किस में चला जाएगा, ऑफस्प्रिंग में। तो इसलिए ऑफस्प्रिंग क्या है, क्लोन लगेगी, बिल्कुल डिट्टो आइडेंटिकल वो पेरेंट की तरह लगेगी। ऐसा लगेगा कि ऑफस्प्रिंग पैदा हुआ है ना तो वो पेरेंट का मिरर इमेज है, जैसा पेरेंट था वैसा का वैसा ऑफस्प्रिंग बन गया, मतलब जो भी पेरेंट के अंदर था वैसा का वैसा ही ऑफस्प्रिंग में चला गया। तो क्या न्यूनेस दिखी, क्या वेरिएशन दिखा, क्या एवोल्यूशन दिखा, नथिंग, नो वेरिएशन। जब वेरिएशंस होते हैं तो चीजों का डेवलपमेंट होता है, और जब हम डेवलपमेंट की बात करते हैं तो हम इवोल्यूशन सक्सेशन के पास जाते हैं, ठीक है। अब
पेरेंट ऑर्गेनिज्म में जो भी था वो डॉटर में चला गया, मतलब उसके अंदर जो भी कंटेंट था, क्या चीज कराएगी रिप्रोडक्शन? हमारी बॉडी किसकी बनी हुई है? सेल की बनी हुई है। आई कैन नॉट इमेजिन माई सर्वाइवल विदाउट सेल, तो ऑब्वियसली सेल ही रिप्रोड्यूस कराएगा। यहां पर कॉमन सेंस की बात लगाओ कि बहुत ही सिंपल ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व होना चाहिए, मतलब यूनिसेल्यूलर। यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म में सेल डिवीजन ही ग्रोथ करवाता है, सेल डिवीजन ही रिप्रोडक्शन करवाता है। तो माइटोटिक, सेल डिवीजन, सेल डिवीजन, कॉमन सेंस की बात है। ये एक ऑर्गेनिज्म होगा, आप इसको डिवाइड करो, कैसे भी डिवाइड करो, और डॉटर सेल्स बना दो। पेरेंट के अंदर जो भी था वो डॉटर में आ गया सेल डिवीजन से, तो कॉमन सेंस की बात है जो डॉटर सेल्स होंगी, जो ऑफस्प्रिंग्स होंगे, दे आर आइडेंटिकल टू द पेरेंट, दे आर क्लोन ऑफ द पेरेंट। कुछ भी उनमें न्यूनेस नहीं, आपको लेकर आ रही है पेरेंट ही तो है, बिल्कुल सेम टू सेम मिरर इमेजेस नजर आए। ठीक है, अगर इन ऑल यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म, जितने भी इस ब्रह्मांड में यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है, जिनकी बॉडी सिर्फ एक ही सेल की बनी हुई है, वो हमेशा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से तो रिप्रोड्यूस करेंगे ही करेंगे, क्योंकि देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का कोई सेंस ही नहीं है। एक सेल है, ठीक है, एक सेल है मतलब नो टिश्यू, नो ऑर्गन। तो अगर कोई ऑर्गन नहीं है तो मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन बनाने की बात नहीं आती है, अगर उनकी बात नहीं आएगी तो गैमीट की बात नहीं, क्योंकि सेक्स ऑर्गन ही तो मियोसिस करके आपके गैमीट्स बनाते हैं। भाई जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं उनमें मियोसिस होता है, रिडक्शनल डिवीजन, और क्या बनता है? गैमीट बनता है। मेल सेक्स ऑर्गन मेल गैमीट बनाता है, फीमेल सेक्स ऑर्गन फीमेल गैमीट बनाता है। अभी आप आगे देखो, क्योंकि दोनों सेक्स ऑर्गन बॉडी के एक के अंदर ही है, बाइसेक्सुअल, एक बॉडी के अंदर एक बार में एक ही सेक्स ऑर्गन है, यूनिसेक्सुअल। तो जितनी ज्यादा आप कॉम्प्लेक्सिटी डालोगे उतना ज्यादा आप क्लासिफिकेशन भी करोगे, ठीक है, समझने के लिए। अब मल्टी सेल्यूलर मतलब जितने भी यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स होंगे, आंख बंद करके उनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही होगा। कुछ कुछ मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स हैं जैसे फंजाय, प्लांट्स एंड एनिमल्स, उनमें भी एसेक्सुअल देखा जाता है कभी कभार, जब वो सेक्सुअल नहीं कर पाते, ठीक है। एब्सेंट इन हायर इन वर्टिब्रेट्स एंड वर्टिब्रेट्स रिलेटेड टू एनिमल्स, क्योंकि इनवर्टिब्रेटा और वर्टिब्रेटा एनिमल किंगडम में आता है, ठीक है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बहुत सारे मोड्स हैं। सबसे पहला है फिजन, मींस कटिंग। ये ऑर्गेनिज्म है, आप इसको कट कर दो, दो में बन जाए। गेटिंग माय पॉइंट? यहां पर आपको दो ऑर्गेनिज्म, दो ऑफस्प्रिंग भी मिल सकते हैं, दो से ज्यादा भी मिल सकते हैं। मतलब ऐसा भी हो सकता है कि आपको चार मिल गए, ठीक है, दो एंड टोटल मिला के चार, पर मिनिमम दो ऑर्गेनिज्म तो मिलेंगे। भाई कागज का टुकड़ा है, आपने उसको फाड़ दिया, फाड़ने पर आपको दो कागज तो मिलेंगे ही मिलेंगे बाय डिफॉल्ट। अब आप उनको भी काटोगे तो बहुत ज्यादा मिल जाएंगे। गेटिंग माई पॉइंट? सो एग्जैक्टली सिमिलर टू पेरेंट। अब देखो जो फिजन होता है, मतलब जो पेरेंट ऑर्गेनिज्म है, जो सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व हुआ है यूनिपेरेंटल में, वो बहुत तरीकों से कटिंग शो करता है। बाइनरी फिजन, जैसे हमने कहा बाइनरी फिजन, बाइनरी फिजन का मतलब क्या होता है कि एक ही बार कटिंग होगी, ऑफस्प्रिंग दो बनेंगे। मल्टीपल फिजन, मल्टीपल ऑर्गेनिजम्स बनेंगे, ठीक है, टू ऑफस्प्रिंग्स मिनिमम। अब किसी कंडीशन में दो से ज्यादा भी बन सकते हैं, इसमें क्या है, मल्टीपल ऑफस्प्रिंग, बहुत सारे, काफी तादाद में ऑफस्प्रिंग्स बनेंगे। गेटिंग माय पॉइंट? अब बाइनरी फिजन, बाइनरी फिजन का सिंपल मतलब क्या होता है, कटिंग। एक्चुअली कटिंग आपका प्लांट्स के केस में, अभी वेजिटेटिव प्रोपगेशन में भी देखोगे। सो हेयर पेरेंट अंडर गो वन डिविजन, टू डॉटर सेल्स विल फॉर्म, टू डॉटर सेल्स विल फॉर्म। इसका प्रोसीजर क्या होता है, देखो यहां पर हम लोग सेल डिविजन ले रहे हैं, मतलब कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस,
न्यूक्लियर डिवीजन एंड साइटोप्लाज्मिक डिवीजन. न्यूक्लियर डिवीजन फॉलोड बाय साइटोप्लाज्मिक डिवीजन. ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखो जैसे ये पेरेंट है, ये क्या है, पेरेंट है. अब एक पेरेंट है मतलब ये यूनिसेल्यूलर है, मतलब ये सिंगल सेल जो सेल है यही इसकी बॉडी का स्ट्रक्चर एंड फंक्शन को क्या कर रहा है, डिपिक्ट कर रहा है. ठीक है, इसके अंदर क्या है, न्यूक्लियस. ठीक है, ये न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक मटेरियल है. ठीक है, अब क्या करना है, अब कैसे करोगे आप लोग, आपको कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस करवाना है. पहले न्यूक्लियस को तोड़ो फिर साइटोप्लाज्म को तोड़ो. गेटिंग माय पॉइंट? मुझे पेन कलर बार बार चेंज करना पड़ेगा वरना आप लोग बोलोगे कि मैम आप पेन कलर चेंज नहीं करती हो, हमें थोड़ा समझ में कम आता है. ठीक है, इसको क्या करोगे, आप डिवाइड करोगे. इज इट क्लियर? न्यूक्लियस में क्या है, कंस्ट्रिक्शन आएगा, कंस्ट्रिक्शन इन न्यूक्लियस. ठीक है, उसके बाद क्या होगा, साइटोप्लाज्म में भी कंस्ट्रिक्शन आएगा. गेटिंग माय पॉइंट? और आपको क्या है, दो ऑर्गेनिज्म मिल जाएंगे. कैसे मिलेंगे देखो, मतलब इस पेरेंट में जो न्यूक्लियस था इसने डिवाइड करके इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया है, और इस पेरेंट में जो साइटोप्लाज्म था वो भी इक्वली ही डिस्ट्रीब्यूट होगा स्टूडेंट्स. ठीक है, टू डॉटर सेल्स, मतलब एक बात है कि एक पेरेंट से देखो अगर कोई चीज डिवाइड होगी, कॉमन सेंस की बात है, यहां पर एक पेरेंट से आपको दो डॉटर सेल्स मिलेंगी, तो ये क्या है, वन पेरेंट. गेटिंग माय पॉइंट? अब देखो सिंपल बाइनरी फिजन है. बाइनरी फिजन भी क्या है, बहुत तरीकों से डिफाइन किए गए हैं. देखो फिजन है, फिजन या तो बाइनरी फिजन होगा या फिर मल्टीपल होगा. बाइनरी का नाम ही है, एक बार कटिंग होगी दो डॉटर सेल्स मिल जाएंगे. मल्टीपल फिजन में बार 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 कटिंग हो रही है तो बार बार मतलब लार्जर नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग्स मिलेंगे. ठीक है, अब आप जब भी किसी ऑर्गेनिज्म को काटते हो तो डायरेक्शन डिसाइड करना बहुत जरूरी है कि आप उसको किस डायरेक्शन, किस प्लेन में काट रहे हो. ठीक है, आप उसको ऐसा लंबा काट रहे हो, आप उसको ऐसा बीच में से काट रहे हो. लंबा काटना मतलब लॉन्जिट्यूडनल प्लेन, बीच में से हॉरिजॉन्टली काटना मतलब ट्रांसवर्स प्लेन, साइडों से काटना मतलब लेटरल प्लेन. ठीक है, तो यहां पर अमीबा को सबसे सिंपल ऑर्गेनिज्म कंसीडर किया गया है. देखो क्या होता है, दिस इज लॉन्जिट्यूडनल, ट्रांसवर्स एंड लेटरल या फिर ऑब्लिक. गेटिंग माई पॉइंट? सो दिस इज लॉन्जिट्यूडनल, मतलब लंबा काटो, वर्टिकल काटो. ठीक है, ये क्या है, ट्रांसवर्स, मतलब हॉरिजॉन्टल काटना. और ये क्या है, लेटरल, ऑब्लिक, साइड्स, लेटरल. गेटिंग माई पॉइंट स्टूडेंट्स? अब देखो, अब कॉमन सेंस की बात है, अगर आप लंबा काटोगे तो युगलीना. ठीक है, ये ऐसा आप इसको ऐसा ऑर्गेनिज्म कंसिडर कर सकते हो कि आप ऐसा लंबा काट रहे हो. गेटिंग माई पॉइंट? ट्रांसवर्स मतलब पैरामीशियम या फिर प्लेनेरिया. प्लेनेरिया की बॉडी क्या होती है, ऐसी होती है. ठीक है, प्लेनेरिया की बॉडी क्या है, ऐसी है. ट्रांसवर्स काटना मतलब ऐसे काटना. और ऑब्लिक, डाइनोफ्लेजिलेट्स, किसमें होगा, डाइनोफ्लेजिलेट्स, ये हम लोग किसमें पढ़ते हैं, प्रोटिस्ट.
मोनेरा भी यूनिसेल्यूलर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, प्रोटिस्ट भी यूनिसेल्यूलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, ठीक है। उसके बाद मल्टीपल फिजन, मतलब पैरेंट बॉडी अंडरगो मल्टीपल डिवीजन। इसमें क्या होता है, जैसे ये देखो अमीबा को अगर फेवरेबल कंडीशन मिलेंगी तो वो बाइनरी फिजन भी करता है, ठीक है। उसके बाद फेवरेबल, मल्टीपल फिजन इन अमीबा अकर इन अनफेवरेबल कंडीशन। अनफेवरेबल कंडीशंस मतलब बाहर बहुत ज्यादा स्ट्रेस कंडीशन है, टेम्परेचर ज्यादा हाई है, डिहाइड्रेशन है, मतलब अगर डिवीजन करके ऑफस्प्रिंग्स को बाहर छोड़ा जाए तो वो छोड़ते से मर जाएंगे, तो फिर क्या मतलब ऐसे रिप्रोडक्शन करने का, तो थोड़े टाइम के लिए प्रिजर्व रहो। इस केस में क्या होता है, जैसे अमीबा है, अमीबा क्या करता है, सबसे पहले अपने सुडोपोडिया को क्या करेगा, शेड करेगा और एक रेगुलर बॉडी बना लेगा। गेटिंग माय पॉइंट, जैसे ये अमीबा है, ठीक है, इसने अपना सुडोपोडिया लॉस्ट कर दिया, अब इसको बाहर के एरिया से क्या करना है, प्रोटेक्शन लेना है, तो ये क्या करेगा, अपने आसपास एक टफ कवरिंग को बना लेगा। दैट टफ कवरिंग, दैट फॉर्मेशन ऑफ टफ कवरिंग इज सिस्ट, एंड द फॉर्मेशन ऑफ दैट टफ कवरिंग सिस्ट इज इनसिस्टेशन। अपने आसपास एक हार्ड टफ लेयर सिस्ट को क्या कर लो, फॉर्म कर लो। Getting my point? ये देखो, this is cyst, ठीक है। अब इसकी बॉडी के पास क्या है, ये न्यूक्लियस है। अब कॉमन सेंस की बात है, मल्टीपल सेल डिविजन मीन्स मल्टीपल टाइम्स ऑफ कैरियोकाइनेसिस एंड मल्टीपल टाइम्स ऑफ साइटोकाइनेसिस, तो अब आप इसको क्या करो, डिवाइड करो। गेटिंग माई पॉइंट, एक मिनट स्टूडेंट्स, ठीक है, ये आपने सिस्ट फॉर्म कर लिया पूरा, ठीक है। ये मोटी सिस्ट कवरिंग के लिए फॉर्म हो गई। अब क्या करोगे आप, अंदर मल्टीपल डिविजन्स कराओ, मल्टीपल डिवीजन में क्या है, मल्टीपल टाइम्स मल्टीपल कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। देखो स्टूडेंट्स, अब मैं टफ टॉपिक्स भी उठाती जा रही हूं, तो मैं अगेन कहूंगी एंड तक जुड़े रहोगे, लाइक शेयर सब्सक्राइब करोगे। अब मल्टीपल न्यूक्लियस डिवाइड हो रहे हैं, ये हो रहे हैं, हो रहे हैं, हो रहे हैं, ठीक है। अब जो साइटोप्लाज्म था वो भी न्यूक्लियस के साथ साथ डिवाइड हो रहा है, तो देखो कितने मल्टीपल डॉटर सेल्स बन गए, ठीक है, मल्टीपल डॉटर सेल्स ड्यू टू मल्टीपल डिवीजन। अब क्या हुआ, फेवरेबल कंडीशन साइन, फेवरेबल कंडीशंस आ गई, तो अब क्या हो जाएगा, सिस्ट फूट जाएगी, बर्स्ट हो जाएगी, एक्सिस्टेशन, ठीक है। ये ब्रेक हो गई, ये क्या हो गई स्टूडेंट्स, ब्रेक हो गई, और जितना भी था, जितने भी डॉटर सेल्स थे, अब उनको हाईली प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं है, अब वो एनवायरमेंट में बाहर आ सकते हैं। ठीक है, डेवलप एंड फॉर्म अमीबे। बाइनरी फिजन में एक अमीबा टूटकर दो अमीबा बन रहा था, दो अमीबे बन रहे थे, यहां पर टूट के बहुत सारे अमीबे बन रहे हैं, ठीक है। एक्सिस्टेशन अलाउड टू रप्चर डॉटर अमीबे। गेटिंग माय पॉइंट, अब बात आती है बडिंग की। बड का मतलब क्या होता है, ग्रोथ, सिंपल से ये बॉडी है,
ठीक है, इसके पास में या पूरी बॉडी में कहीं पर भी ऐसे ये प्रोजेक्शन आ गया, प्रोजेक्शन, ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं बड, क्या कह सकते हैं बड। अब ये बड क्या है, पेरेंट से चिपकी हुई नरिशमेंट लेती जा रही है, लेती जा रही है, लेती जा रही है, लेती जा रही है। ये बड बनी कैसे, सबसे पहले क्या होता है, अगर बड बाहर बनती है तो एक्सोजिनस या एक्सटर्नल बड कहलाएगी, अगर ये ही अंदर बनती है तो इंटरनल बड या फिर जैन्यूल फॉर्मेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है, नीट में क्वेश्चन काफी बार आया है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है कि एक स्मॉल सा प्रोट्यूबरेंस आउटग्रोथ बॉडी से बाहर निकल के आता है, बॉडी से बाहर निकल के आएगा। अब पेरेंट बॉडी में क्या हो जाएगा, सेल डिवीजन होगा ना, अपना जेनेटिक मटेरियल अगर अपने ऑफस्प्रिंग को देना है तो सेल डिवीजन करवाना पड़ेगा, सेल डिवीजन होगा, न्यूक्लियस जाएगा, साइटोप्लाज्म जाएगा, ये बड ग्रो करेगी, नरिशमेंट लेगी और फिर थोड़े टाइम बाद जब अच्छी खासी हो जाएगी तो पेरेंट से डिटैच होकर अलग हो जाएगी, ठीक है स्टूडेंट। अब देखो एक्सोजिनस या फिर एक्सटर्नल बडिंग, एक्सोजिनस या फिर एक्सटर्नल बडिंग में क्या होता है कि बड डेवलप्स एज अ आउटग्रोथ ऑन वन साइड ऑफ पेरेंट बॉडी, कोई भी साइड पकड़ सकता है, ठीक है, हेयर वन साइड, हेयर सेकेंड साइड, ठीक है। अब क्या होगा, ऑब्वियसली पेरेंट को माइटोटिक डिविजन करना पड़ेगा, न्यूक्लियर डिवीजन, साइटोप्लाज्म डिवीजन। इसमें क्या होता है, न्यूक्लियस इनसाइड पेरेंट बॉडी डिवाइड एंड वन पार्ट ऑफ इट एंटर्स इनटू बड। इसमें क्या है, जैसे ये न्यूक्लियस है, ठीक है, ये डिवाइड कर रहा है, ये न्यूक्लियस क्या हो गया, डिवाइड कर गया, ठीक है, और एक न्यूक्लियस इसमें चला गया, ऑफस्प्रिंग में चला गया। उसके बाद क्या होगा, साइटोकाइनेसिस, जो पेरेंट का साइटोप्लाज्म वो भी डिवाइड होता जाएगा और बड में क्या हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा। अब बड को तो मजा आ गया, पेरेंट का न्यूक्लियस भी मिल गया, पेरेंट का साइटोप्लाज्म मिल गया, वो थोड़े टाइम तक पेरेंट से अटैच रहेगी, जब तक पूरी तरीके से खुद डेवलप होकर डिटैच नहीं हो जाएगा, ग्रोथफुली सेपरेटेड एंड फॉर्म इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, अगेन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में है। गेटिंग माय पॉइंट, देखो हाइड्रा में यू आर एबल टू गेट द सेल एग्रीगेट और वी कैन से टिश्यू सिस्टम, पर देखो कहीं ना कहीं थोड़ा सा अगर हायर ऑर्गेनिज्म आ रहा है तो भी ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही हो रहा है। गेटिंग माय पॉइंट, ईस्ट क्या है भाई, ईस्ट की जैसे ये बॉडी है, ये ईस्ट की, ईस्ट इज अ फंगस, ये यहां डेवलप हो गया वन बर्ड, ठीक है, ये न्यूक्लियस था, ठीक है, न्यूक्लियस ने क्या किया, एक और न्यूक्लियस बनाया और इसके अंदर चला गया, साइटोप्लाज्म भी इसके अंदर चला गया। अब देखो जो ईस्ट है ना वो अपनी बॉडी में मल्टीपल बड्स बना सकती है, अगर उसको बहुत सारे ऑफस्प्रिंग पैदा करें, अगर उसको लगता है कि आगे चल के अनफेवरेबल कंडीशन आ रही है, खूब सारी प्रोजेनी बना लो तो मल्टीपल बड्स बनेगी। तो मल्टीपल बड्स, ठीक है। अब ये देखो ये हाइड्रा है, ये हाइड्रा के टेंटेकल्स हैं और ये क्या है आपका, ये पूरा बड से क्या हो गया, एक बेबी हाइड्रा बन गया। गेटिंग माय पॉइंट, सी इट केयरफुली, ये पूरा ग्राफिक्स एनिमेशन है इसका। अब एंडोजिनस या फिर इंटरनल बडिंग, एंडोजिनस इंटरनल बडिंग का मतलब क्या होता है कि जैसे ये बॉडी है इसमें ऐसे इंटरनल बड्स क्रिएट हो रही है, अगेन सेल डिवीजन से होंगी, ठीक है, और जब इंटरनल बड्स बन रही हैं तो अगेन प्रोटेक्टिव कोट होना चाहिए, क्योंकि क्या है, अनफेवरेबल कंडीशन। गेटिंग माई पॉइंट, ये जो इंटरनल बड्स होती हैं, जो बॉडी के अंदर बनती हैं, उन्हें जैम्यूल्स कहते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, जैम्यूल्स कहते हैं। और उसके बाद क्या है,
यहां पर एक ऐसी ओपनिंग क्रिएट हो जाती है, माइक्रोफाइल। यहां पर क्या होती है, ओपनिंग क्रिएट हो जाती है जो कि जेन्यूल्स को अलाउ करती है कि बाहर जाओ, जर्मिनेट करो और न्यू ऑर्गेनिज्म बना लो। जैसे अगर पेरेंट स्पॉन्जिला है तो ये स्पॉन्जिला बेबी, ये बाहर निकल जाएंगे। ये जेन्यूल्स हैं, ये छोटे छोटे ग्रुप ऑफ सेल्स हैं जिन्हें आप आर्कियोसाइट्स भी कह सकते हो। और ये क्या करते हैं, ओवरऑल बॉडी तो प्रोटेक्टेड रहती है, साथ में ये अपने आप को भी प्रोटेक्ट करके चलते हैं। ये देखो प्रोटेक्शन, प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ आर्जियो साइट्स, ठीक है। अब फ्रेगमेंटेशन का मतलब क्या होता है कि बॉडी पीसेस में डिवाइड हो गई है, बॉडी फ्रेगमेंट्स में डिवाइड हो गई है। देखो पैरेंट बॉडी ब्रेक इंटू टू और मोर पीसेस, जैसे ये बॉडी है, ठीक है, पैरेंट बॉडी है। अब ये कैसे भी डिवाइड हो गई, ऐसे भी हो सकती है, ये किसी भी तरीके से फ्रेगमेंट्स में टूट सकती है, जैसे ये टूट गई फ्रेगमेंट्स। तो हर एक फ्रेगमेंट बिल्कुल डिटो प्लांट सॉरी पैरेंट बॉडी बना लेगा। गेटिंग माई पॉइंट? अब देखो फ्रेगमेंटेशन नेचुरल भी हो सकता है कि हाँ भाई मैं एक ऑर्गेनिज्म हूं और मैं फ्रेगमेंटेशन से ही रिप्रोड्यूस करता हूं, लेकिन एक्सीडेंटली भी अगर पैरेंट ऑर्गेनिज्म टूट जाए तभी वो आगे चल के रिप्रोड्यूस कर सकता है। सो ईच इज अ फ्रेगमेंट, ये एक्सीडेंटली भी हो सकता है। देखो जो फ्रेगमेंटेशन है वो काफी डाइवर्सिफाइड है, डाइवर्सिफाइड। देखो जैसे एल्गी में हो सकता है फंजाई, ब्रायोफाइट, स्टेरिडोफाइट, पॉरीफेरा, सीलियंट्रेटा एंड इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा में क्या है, जैसे ये स्टारफिश हो गई, ये क्या है, ये इसका बीच का सेंट्रल डिस्क है स्टारफिश। ये फ्रेगमेंटेशन से ही करेगी, ये पूरी बॉडी को क्या करेगी, डिवाइड कर देगी और फिर हर एक आर्म एक न्यू स्टारफिश बना लेगा, ठीक है। रीजनरेशन, रीजनरेशन का मतलब क्या होता है, मुझे कट लग गया स्किन पे, क्या हो गया, कट लग गया और थोड़े टाइम बाद देखोगे कि स्किन वापस से आ जाती है, वहां पर स्किन क्या हो जाती है, रीजनरेट हो जाती है। गेटिंग माय पॉइंट? तो इसको क्या है, रीग्रोथ ऑफ इंजर्ड पार्ट कहेंगे ऑब्वियसली। जैसे स्किन हील एज एपिथेलियल सेल्स, मतलब स्किन सेल्स हैज greatest power of regeneration, getting my point? दोबारा regrow करो, जैसा है दोबारा वैसे ही बना लो, जैसे reparative regeneration, restorative regeneration। reparative मतलब damaged tissue को regenerate किया, जैसे skin damage हो गया, ठीक है। रिस्टोरेटिव मतलब पूरा का पूरा आप इसको रिस्टोर, जैसे ये लिजर्ड की वॉल है, सॉरी लिजर्ड लिजर्ड की टेल है, अभी कट गई वॉल। लिजर्ड क्यों बोलते हैं, क्योंकि लिजर्ड आपको वॉल पे ही चलती हुई नजर आएगी। अभी आपको गर्मियों में देखना घरों में बहुत लिजर्ड आएगी, ये कट गई, ठीक है, कुछ टाइम बाद ये वापिस से रीग्रो करेगी। टेल ऑफ लिजर्ड, आ रहा है बच्चों समझ में? आसान सा टॉपिक है और हम इसको सीरीज में ले लेंगे, ठीक है। उसके बाद स्पोर फॉर्मेशन। देखो स्पोर फॉर्मेशन का मतलब क्या होता है, ऐसे छोटे छोटे सिंगल सेल्ड स्ट्रक्चर्स, ठीक है, थिन वॉल भी हो सकते हैं, थिक वॉल भी हो सकते हैं, ठीक है, थिन वॉल थिक वॉल, एक तरीके से
इन्हें प्रोपोग्यूल्स कहते हैं। स्पोर फॉर्मेशन भी काफी डाइवर्सिफाइड है, आपको किंगडम मोनेरा में भी दिख रहा है, किंगडम प्रोटिस्टा में भी दिख रहा है, आपको फंजाई में भी दिख रहा है और थैलोफाइट्स में भी दिख रहा है। क्योंकि एल्गी क्या है, आपके मोनेरा में भी आ गई ब्लू ग्रीन एल्गी, आपके प्रोटिस्टा में भी आ गई फोटोसिंथेटिक एल्गी, और आपके प्लांट्स में तो आ ही गई है, पर प्लांट्स में क्या है, उस एल्गी का काफी एवोल्यूटेड हाईली डेवलप्ड वर्जन आपने देखा है। ग्रीन एल्गी, रेड एल्गी, ब्राउन एल्गी, देखा था ना, क्लोरोफाइसी, रोडोफाइसी, फियोफाइसी। अब ये स्पोर्स कैन बी मोटाइल एज वेल एज नॉन मोटाइल। अब देखो ये स्पोर है, इसमें मैंने डाल दिया फ्लैजिला या फिर नॉन फ्लैजिला, तो ये क्या हो गए, मोटाइल हो गए, ये हो गए नॉन मोटाइल। अब देखो जो पेरेंट बॉडी है, पेरेंट बॉडी के अंदर स्पोर बन रहे हैं और बॉडी से बाहर निकल रहे हैं, तो बॉडी के अंदर कोई पर्टिकुलर स्ट्रक्चर है जो स्पोर फॉर्म कर रहा है, उस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को बोलेंगे स्पोरेंजिया। ये समझ लो पेरेंट बॉडी है, ये क्या है, पेरेंट बॉडी है। और ये है स्पोरेंजिया, ये क्या है स्टूडेंट, स्पोरेंजिया। इसके अंदर क्या बन रहे हैं, स्पोर्स बन रहे हैं, ये स्पोर्स। ऑब्वियसली इस स्पोरेंजिया की वॉल और पेरेंट बॉडी दोनों की वॉल रप्चर से ही स्पोर्स क्या हो जाएंगे, बाहर आ जाएंगे। तो अब देखो अगर मोटाइल स्पोर की बात करें तो मोटाइल एंड फ्लैजिलेटेड प्रोड्यूस्ड इनसाइड स्पोरेंजिया जनरली नेकेड, मतलब इनमें सेल वॉल नहीं होती है, सिर्फ और सिर्फ सेल मेम्ब्रेन होगी। अब देखो यहां पर लोकोमोटरी स्ट्रक्चर का मेनली काम है स्विमिंग, इस टाइप का लोकोमोशन करना है। तो मतलब ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो पानी में रहते हैं, एक्वेटिक हैबिटेट में रहते हैं, और उन्हें अगर रिप्रोडक्शन करना है तो वो स्पोर फॉर्मेशन थ्रू जू स्पोर से कर सकते हैं। ये मेनली किसमें देखा जाए, एल्गी एंड लोअर फंजाई, एल्गी एंड लोअर फंजाई। लोअर फंजाई मतलब फाइकोमाइसिटीज, और एल्गी में क्लेमाइडोमोनास या फिर यूलोथ्रिक्स, ठीक है। नॉन मोटाइल स्पोर्स, नॉन मोटाइल स्पोर्स का मतलब क्या होता है कि नो फ्लैजिला। ये क्या होते हैं, आपके पेनिसिलिन फंगस में होते हैं। जैसे बॉडी कैसी होती है ऐसी, आप देखो ये माइसीलियम है, ये हाइफा कवर है, ठीक है, ये तो इसमें क्या है, ये जो हाइफा है इसके ऊपर क्या बनेगा, ऐसे Getting my point? Conidiophore. Conidiophore is simply a sporangium. और इसके अंदर क्या बन रहे हैं, कोनीडिया, कोनीडिया। ये क्या है, स्पोर्स हैं। Getting my point? मतलब अगर जू स्पोर के बारे में बात करें तो स्पोरेंजियम ऑलमोस्ट बॉडी की क्या है, अंदर है, ऑलमोस्ट बॉडी के क्या है, अंदर है। ये क्या है, बॉडी से बाहर है। जैसे ये पूरी बॉडी है, इसके ऊपर एक और स्पोरेंजियम बन गया, स्पोरेंजियम के अंदर कोनिडिया बन गया, कोनिडिया को बाहर निकाल दो, ठीक है। अब क्लेमाइडोस्पोर, थिक वॉल्ड स्पोर्स, थिक वॉल्ड स्पोर्स, ठीक है। ये क्या है, जैसे ये हाइफे है, इसके या तो टिप पे बनेगा या फिर साइड में बनेगा, और इसके अंदर स्पोर बन जाएंगे। गेटिंग माई पॉइंट? देखो एग्जाम्पल्स में क्या आएंगे, इसके एग्जाम्पल पेनिसिलम आया, इसके एग्जाम्पल आएगा राइजोबस एगारिकस, मशरूम, ऐसे होती ना मशरूम की टोपी रहती है। गेटिंग माई पॉइंट? अब देखो वेजिटेटिव प्रोपगेशन, वेजिटेटिव प्रोपगेशन का मतलब क्या होता है, वी आर टेकिंग वेजिटेटिव पार्ट्स, वी आर टेकिंग वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ प्लांट विच आर सोमेटिक पार्ट्स। सोमेटिक पार्ट्स मीन्स वी आर कंसिडरिंग टू एंड वाला पार्ट,
जब हम लोग गैमेटिक पार्ट बोलते हैं तो हम लोगों का ध्यान हैप्लॉइड पे चला जाता है। आया स्टूडेंट बात समझ में? देखो मैंने पीपीटी भी इसे बहुत सिंपल और सोबर बनाई है और इस पीपीटी में एनसीईआरटी के साथ एक्स्ट्रा भी कवर हो रहा है। अगेन कहूंगी अनअकैडमी आपको हमेशा बेस्ट देगा। 1 ईयर 2 ईयर सब्सक्रिप्शन ले लो स्टूडेंट, MB10 आप रेफरल कोड यूज कर लो, आपको कभी भी नुकसान नहीं होगा। ठीक है, अब देखो, जब देखो प्लांट्स की बॉडी आपको ऑलमोस्ट मल्टी सेलुलर ही दिख रही है, तो प्लांट की बॉडी में अगर फ्लावर है तो वो सेक्सुअल करेगा। अब मान लो फ्लावर है ही नहीं तो आप अदर पार्ट से काम चला लो, जैसे रूट हो गया, स्टेम हो गया या फिर लीफ हो गया। कहने का क्या मतलब है कि जैसे प्लांट की रूट है, आप क्या करो रूट को निकालो। कैसे ग्रो करोगे भाई? ग्रोथ करानी है हमें तो, सेल डिविजन कराना है, सॉइल में डिग कर दो उसको, सारी फेवरेबल कंडीशन तो बिल्कुल पेरेंट प्लांट बन जाएगा। सेम आप स्टेम और लीफ के साथ भी कर सकते हो, लेकिन यहां पर जो भी वेजिटेटिव पार्ट आप लोग वेजिटेटिव प्रोपगेशन के लिए उठा रहे हो, प्रोपगेशन मतलब आगे बढ़ाने के लिए, उस पार्ट में पार्ट शुड हैव बड, पार्ट में बड जरूर होनी चाहिए। अगर बड नहीं होगी तो वो पार्ट सिर्फ पार्ट ही कहलाएगा, वो वेजिटेटिव प्रोपगेशन नहीं कहलाएगा। गेटिंग माय पॉइंट? अब फास्ट इफेक्टिव एंड इजी प्रोसीजर, देखो बड की प्रेजेंस होनी चाहिए। नेचुरल, नेचुरली हो रहा है, आर्टिफिशियल, मैन इन्वॉल्वमेंट। जब हमें रिजल्ट ज्यादा जल्दी चाहिए, जब हमें ज्यादा जल्दी पैदावार चाहिए कि हम ऑल ओवर सीजन में इस प्लांट को उगाएं, तो आर्टिफिशियल। अब आएगा नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन। देखो नेचुरल में क्या है, आपको क्या करना है, जैसे ये मदर प्लांट है, आपको क्या करना है, मदर प्लांट है, रूट को डिटैच करो, स्टेम को डिटैच करो या फिर लीफ को डिटैच करो। तीनों के पास क्या होनी चाहिए, बड होनी चाहिए। ठीक है, तो ये वेजिटेटिव प्रोपोग्यूल्स कहलाएंगे, सोमेटिक पार्ट्स कहलाएंगे, और ये क्या करेंगे, रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। अब देखो रूट से कैसे रिप्रोडक्शन होगा, आप बताओ। देखो रूट है, रूट आपके सीड के रेडिकल से निकल, जैसे सीड है, ये सीड है, ठीक है, तो ये रेडिकल पार्ट है, ये प्लीम्यूल पार्ट है। रेडिकल पार्ट से क्या निकल रही है, रूट निकल रही है। गेटिंग माई पॉइंट? तो अगर आपको रूट से रिप्रोडक्शन करवाना है तो पेरेंट प्लांट बॉडी से उसको तोड़ लो, और उसके पास क्या होनी चाहिए, बड होनी चाहिए। गेटिंग माई पॉइंट? एडवेंटिशियस बड मतलब ग्रो रैदर देन नोड ऑफ स्टेम। हम हमेशा बड को स्टेम से रिलेट करते हैं कि स्टेम के पास नोड है, उसके पास नोड है, वहां पर बड होती है। बड कहीं पर भी ग्रो कर सकती है, वो रूट पे भी ग्रो कर सकती है, वो स्टेम पे भी ग्रो कर सकती है, वो लीफ पे भी ग्रो कर सकती है। गेटिंग माई पॉइंट? तो आप मुझे एक बात बताओ, जैसे ये रूट है, ये रूट है, ठीक है, अब इसके पास बड है, ठीक है, बड है, जिसको क्या बोल रहे हो, रेडिकल। गेटिंग माई पॉइंट? तो इस पार्ट को क्या कर लो, आप कट कर लो, डिग इन सॉइल, कट कर लो, सॉइल में डिग कर लो, फेवरेबल कंडीशंस दे दो, न्यू प्लांट। प्लांट मतलब वही रूट्स का आना, स्टेम का आना और लीफलेट का आना। गेटिंग माई पॉइंट? इज इट? ठीक है, अब देखो टैप रूट एडवेंटिशियस बड है, फ्लैशी रूट एडवेंटिशियस बड है, ये इसके क्या है एग्जाम्पल, जैसे मुराया, डलबर्जिया, ग्वावा, एल्बिजिया। फ्लैशी रूट का मतलब क्या होता है, फ्लैशी रूट मतलब फूड स्टोरेज, ठीक है। जैसे ये रूट है, इसमें एक बड़ा सा फ्लैश या फिर नोड बना हुआ है, यहां पर आप क्या कर सकते हो, फूड स्टोरेज।
नोड कहां पर बनता है? एक नोड हम लोग नाइट्रोजन फिक्सेशन में देते हैं, स्वीट पोटैटो, टेपियोका, डालिया, एस्पैरेगस, ठीक है। अब देखो, अगर लीफ की बात करूं तो यहां पर क्या है कि जो लीफ है उसके कॉर्नर्स पे क्या है, बड है, कली है, और इस लीफ को बोलते हैं मैजिकल लीफ, ब्रायोफाइलम, मैजिकल लीफ, ठीक है। अब देखो यहां पर ये बड है, गेटिंग माय पॉइंट। अब आप क्या करो, इस पार्ट को डिटैच कर लो, डिटैच, सॉइल में उगा दो, ग्रो इन सॉइल, ठीक है। न्यू प्लांट मतलब बेबी प्लांट ऑफ ब्रायोफाइलम, ठीक है। अब देखो, अगर टिप पर, ये एक लीफ है, इसके टिप पर बड है तो एडिएंटम। आप इसकी ट्रिक कैसे लर्न कर सकते हो, ए फॉर एडिएंटम, ए फॉर एपेक्स, एपेक्स मतलब टिप, गेटिंग माई पॉइंट। और ब्रायोफाइलम में क्या है, मार्जिन्स पर है, तो टिप पे या फिर मार्जिन्स। आ रही है स्टूडेंट्स बात समझ में, इतना आया। चलो अब आता है स्टेम से। स्टेम का देखो सबसे जो इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो होता है नोड एंड इंटरनोड। ये दिस इज क्या है, नोड है, ये इंटरनोड है, इंटरनोड इज गैप बिटवीन टू नोड्स, ठीक है। ये यहां पर बट है, कोई भी पार्ट, देखो रूट, स्टेम, लीफ, प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट्स होते हैं, लेकिन वो कब वेजिटेटिव प्रोपगेशन में हेल्प कराएंगे, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प कराएंगे, जब उनके पास बड हो, ठीक है। सो दिस इज बट। अब आप क्या करो, इस पार्ट को डिटैच कर लो, सॉइल में डिग कर दो, आपको न्यू प्लांट मिल जाएगा। अब देखो, अब क्या होता है कि रूट में जो रूट की जो बड होती है उसको रेडिकल बड कहते हैं। लीफ की, देखो लीफ का दूसरा नाम क्या होता है, फोलिएट। क्या होता है, फोलिएट, तो फोलियर। अगर स्टेम की कहें बड तो कोलीन। गेटिंग माय पॉइंट, ये आपका पूरा एक शॉट बन गया, ठीक है। अब देखो, बड रिजल्ट्स इन रिप्रोडक्शन, स्टेम एरियल भी हो सकता है, सब एरियल और अंडरग्राउंड, ठीक है। एरियल, सब एरियल या फिर अंडरग्राउंड, ठीक है, गेटिंग माई पॉइंट। कोई भी स्टेम हो, चाहे वो एरियल हो, वो सब एरियल हो या वो अंडरग्राउंड हो, मैंडेटरी कंडीशन क्या है, बड होनी चाहिए, बड होनी चाहिए, ठीक है। अंडरग्राउंड स्टेम, इसमें क्या होगा, देखो अंडरग्राउंड स्टेम में वो स्टेम जो अंडरग्राउंड रहते हैं, इनमें क्या होता है, जैसे ये पोटैटो हो गया, अब यहां पर क्या है, ये बड है और बड स्केली लीव से घिरी हुई है। ये क्या है, बड है, ये स्केली लीफ है, ठीक है। इट इज अपीयरिंग एज आई, आई का शेप है ये, ऐसे आई का शेप लग रही है, ठीक है। तो जैसे हमने कहा कि पोटैटो हो गया, आर्टिचॉक हो गया, इनके पूरी बॉडी पर ऐसे एक से दो आईज होते हैं, ट्यूमर्स होते हैं। अब आप क्या करो, इनको डिटैच कर लो, आप इनको ग्रो करोगे तो इसमें से आपको क्या मिल जाएगा, एक न्यू प्लांट मिल जाएगा। दैट मींस ट्यूमर क्या है, ट्यूमर एक वेजिटेटिव पार्ट है, वेजिटेटिव प्रोपोग्यूल है, एक आई है, एक तरीके से बड है, ठीक है। सो नोड इज कवर्ड बाय स्केली लीफ, गेटिंग माय पॉइंट। अब हम लोग जैसे राइजोम की बात करें तो राइजोम भी क्या है, अंडरग्राउंड स्टेम है,
स्टोरेज ऑफ फूड अकर्स इन अनफेवरेबल कंडीशन। राइजोम क्या है? जैसे आपने ये स्टेम है, ये थोड़ा सा ऐसा फूला हुआ है, ठीक है, फूड स्टोरेज। अब इसके पास क्या है? बड है। बेनिफिट क्या है? आपने इसको डिटैच किया, सॉइल में ग्रो किया, आराम से न्यू प्लांट बन जाएगा, और इसके बाद फूड स्टोरेज होगा तो क्या करेगा, सर्वाइव भी कर लेगा। इसमें क्या होगा? बनाना, जिंजर, टर्मरिक एंड एडिएंटा। अब देखो सब एरियल या फिर क्रीपिंग स्टेम क्या होते हैं? सब एरियल मतलब ऐसे, देख ये ऐसे चलने वाले, ये क्रीप क्रॉल। सबसे पहले आएगा रनर, ब्रांच फ्रॉम मेन स्टेम अराइजेस, रन्स हॉरिजॉन्टली एंड हैज मेनी नोड्स एंड इंटर नोड्स, व्हेन नोड बेरी कम्स इन कॉन्टेक्ट विद सॉइल जर्मिनेट एंड गिव राइज टू अ न्यू स्टेम। इसमें क्या होगा? जैसे ये प्लांट बॉडी है, ये क्या है? प्लांट बॉडी है। अब इसके एक स्टेम देखो, ये जैसे एक स्टेम है, इसमें नोड है बहुत सारे। अब यहां से क्या है, ये एक स्टेम यू ऐसे क्रॉल कर रही है, ठीक है, क्रॉल कर रही है। आपको पता है ये नोड है, ये नोड है, ये भी नोड है, नोड है, नोड है, ठीक है। तो दिस नोड टचिंग सॉइल, तो कुछ टाइम बाद क्या होगा, इसमें से जर्मिनेशन हो जाएगा। रूट अगर रूट से नहीं निकलेगी, देखो अगर कोई रूट रूट से निकले तो हम क्या बोलेंगे, प्राइमरी रूट है, सेकेंडरी रूट है। लेकिन अगर कोई रूट किसी अदर देन बॉडी पार्ट से निकल गई, रूट तो नहीं होगा, जैसे स्टेम से हो गई, लीफ से हो गई, किसी से भी हो गई, तो उसको क्या बोलेंगे, एडवेंटिशियस रूट। इसने क्या एडवांटेज उठा लिया, कहीं पर भी ग्रो कर गई, जैसे सेंटिला, ऑक्सैलिस, साइनोडोन, ये इसके अंदर आते हैं। अब ये क्या है, ये ऑफसेट्स हैं। रनर का मतलब क्या होता है, भागते रहो, रन करते रहो, करते रहो, करते रहो। तो यहां पर क्या है, आपको मल्टीपल नोड्स एंड इंटर नोड्स मिले, ठीक है। ऑफसेट में क्या है, ऑफसेट में भी यही तरीका होगा, दे आर सिंगल इंटरनोडल रनर्स। ये क्या है, ये एक्वेटिक रनर्स है। इसमें क्या होगा, जैसे ये पानी का सरफेस है, ठीक है, ये हो गया, ठीक है, यहां से एक नोड निकली, गेटिंग माई पॉइंट, सिंगल इंटरनोड, सिंगल इंटरनोड, यहां से ये फिर से लीफ बन गई, फिर ये फिर से चली सिंगल इंटरनोड, देन ये फिर से चली सिंगल इंटरनोड, ठीक है। देखो कितनी फटाफट ग्रोथ हो गई है, गेटिंग माय पॉइंट, फटाफट ग्रोथ हो गई है, ठीक है। तो इस फटाफट ग्रोथ की वजह से जो इकोर्निया है, वॉटर हाइकिनिड, ये क्या करता है, ग्रो करता जाता है, करता जाता, करता जाता है, और वॉटर की सरफेस के ऊपर। एक्चुअली इकोर्निया में भी इसलिए भी ग्रोथ कर सकता है क्योंकि जहां पर इसको ऑर्गेनिक मैटर मिल गया है, तो अगर पानी में इकोर्निया आ गया तो इतनी फास्ट और रैपिड ये ग्रो करेगा कि पूरी वॉटर सरफेस किससे भर जाएगी, इकोर्निया से, ठीक है। अब ग्रो करता जा रहा है, करता जा रहा है, करता जा रहा है, पानी से खूब सारा ऑक्सीजन लेता जा रहा है, लेता जा रहा है, लेता जा रहा है, लेता जा रहा है, तो एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स को नीचे क्या होगा, एक तो सनलाइट नहीं मिलेगी, ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, तो किल्स एक्वेटिक इकोसिस्टम, ठीक है। अब स्टोलोन्स क्या होते हैं, स्टोलोन्स क्या होते हैं, आर्च हॉरिजॉन्टल ब्रांचेस सेम एज रनर, एग्जाम्पल में स्ट्रॉबेरी एंड वेली सिनेरिया। अब आपको लग रहा होगा कि मैम इसकी ट्रिक बता दो, तो देखो मैं एक काम करती हूँ, देखो इसकी ट्रिक में क्या है, अब दो है,
दो ही तो एग्जाम्पल्स है, इसमें क्या अपन लोग ट्रिक डिसाइड करेंगे? फिर भी आप लोग बोलोगे तो मैं ट्रिक का पूरा सेशन ले लेती हूँ, जिसमें बायोलॉजी में जैसे मैंने साइंटिस्ट का लिया, उसमें जहां पर भी जो भी ट्रिक्स मुझे लगेंगी मैं वन गो में आपको एक ट्रिक करवा दूंगी, ठीक है? तो उसका अगर आपको लगता है तो कॉमेंट बॉक्स में लिख देना। एरियल स्टेम्स, एरियल मतलब इन एयर, ऑन एयर, गेटिंग माई पॉइंट? अब देखो, अगर आपको शुगर क्रेन को ग्रो करना है, गेटिंग माई पॉइंट? अब देखो, जैसे ये शुगर केन है, ये क्या है? बर्ड है। तो आप इसको क्या कर लो, काट लो। एक ही आपको नोड की जरूरत है, एक ही नोड सफिशियंट है, पर उस नोड पे बशर्ते बर्ड होनी चाहिए। आप उसको डिटैच करो, ठीक है? जैसे एयर में स्टेम है शुगर केन का, आप उसको डिटैच करो, सॉइल में डिग करो, न्यू प्लांट आपको मिल जाएगा। आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन, जब आपको डिजायर्ड वेराइटीज चाहिए ऑल ओवर द सीजन, ऑल ओवर द सीजन, जल्दी जल्दी, जैसे आपको लगता है कि यार ये वाला पर्टिकुलर जो प्लांट है ये इसी सीजन में ग्रो करता है, मैं चाहता हूं फॉर एवर ग्रो करे, जिससे कि मैं इकोनॉमी भी बढ़ा सकूं और वेराइटीज भी इंक्रीज कर सकूं, तो यूज दिस आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन। अब क्या होगा आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन में? अगेन वेजिटेटिव पार्ट्स, कटिंग, लेयरिंग एंड ग्राफ्टिंग। कटिंग में क्या है? डिटैच प्लांट पार्ट। लेयरिंग में क्या है? नो डिटैचिंग। क्राफ्टिंग में क्या है? डिटैचिंग एंड जॉइन। कटिंग में क्या है? वेजिटेटिव पार्ट कट फ्रॉम द मदर प्लांट। अब देखो, यहां पर नेचर को नहीं बोल रहे हैं हम लोग, नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन में फास्ट है, लेकिन क्या आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन उससे भी ज्यादा फास्ट होगा? यस, उससे भी ज्यादा फास्ट होगा। क्यों? क्योंकि यहां पर आप क्या कर रहे हो, जैसे आपने रूट को कट किया, स्टेम को कट किया या फिर लीफ को कट किया, आप क्या करो, इसको ऑक्सिन में डाल दो। ऑक्सिन क्या करेगा? इसको फटाफट नरिशमेंट देगा और न्यू प्लांट बन जाएगा। तो प्लांट ग्रोथ हार्मोन, ठीक है, इसको नरिशमेंट देगा, काफी हद तक एक कह सकते हैं कि प्री रिक्विस्ट प्लांट बन जाएगा। आप इसको निकालो, सॉइल में डिग करो, न्यू प्लांट बन जाएगा, ठीक है? अब क्या होगा, देखो, पीसेस ऑफ रूट ले लिया, फाइटो हॉर्मोन्स में डाल दो, ठीक है, अलाउ टू ग्रो इन सॉइल, फॉर्म अ न्यू प्लांट। लेमन, ऑरेंज, ब्लैकबेरी एंड रस्क बेरी, सारी बेरी बेरी इससे ग्रो कर सकती है। स्टेम कटिंग, स्टेम कटिंग में क्या होता है, जैसे ये स्टेम है, ये 20 to 30 सेंटीमीटर जाओ, ठीक है, इसको कट कर दो, फिर इस फाइटो हॉर्मोन्स में क्या कर दो, डिप कर दो इसको, देन प्लांट इन सॉइल। रोज शुगर केन, दुरंता, सिट्रस, ग्रैप, कॉफी, टी, बोगनविलिया, चाइना। अब देखो लीफ कटिंग, इसमें क्या है, जैसे कोई लीफ है आप उसको क्या है, ट्रांसवर्स काट लो, फाइटो हॉर्मोन्स में डाल दो, फाइटो हॉर्मोन से निकाल के आप उसको, फाइटो हॉर्मोन्स में डाल के क्या होगा, जैसे आपको थोड़ी थोड़ी सी हल्की फुल्की प्री रिक्वेस्ट आपको ये ग्रोथ नजर आ जाएगी, आप इसको क्या कर दो, सॉइल में डाल दो, फटाफट न्यू प्लांट बन जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी काफी हद तक नरिशमेंट आप दे चुके हो, ठीक है। स्नेक प्लांट, सेंसिविरिया, सेंट पॉलिया, कोई सेंट पॉल स्कूल में पढ़ा है तो उसको याद रहेगा, सेंट पॉलिया। लेयर, लेयरिंग में क्या है, आप स्टेम को उठाकर डिटैच कर रहे हो, आपने क्या किया, स्टेम को पूरी तरीके से हटाया नहीं, आपने स्टेम को पुल किया है, ठीक है, पुलिंग ऑफ स्टेम। अब पुलिंग करने पर फ्लेक्सिबल होना चाहिए, ऐसा नहीं मैंने खींचा और टूट गया, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। देखो यहां पर ये लेयरिंग, लेयरिंग कितनी तरीके की है, माउंट लेयरिंग एंड एयर लेयरिंग, एक तरीके से ये क्या है, ग्राउंड लेयरिंग है। ग्राउंड लेयरिंग में क्या है, आपने ये देखो, ये मेन स्टेम है,
पुल, ठीक है। अब आप क्या करो, यहां पर एक क्लिप लगा दो जिससे कि ये सॉइल में चिपका रहे, ठीक है। ये आपने क्या कर लिया, ये स्टेम क्या है, फ्लेक्सिबल है। अब ये क्या है, ये आपने स्टेम को खींचा। अब जैसे ये यहां पर नोड है, तो यहां पर भी ये क्या है, आपके नोडल पॉइंट्स हैं। अब ये क्या है, ये पूरा आपका सॉइल के कांटेक्ट में आ रहा है। कुछ टाइम बाद आप देखोगे कि यहां पर न्यू प्लांट बन जाएगा। मतलब आपने स्टेम को खींच के क्या किया, एक लेयर बनाई और सॉइल से निकाल के उसको बाहर ले गए। एयर लेयरिंग को बोलते हैं गूटी। इसमें आप स्टेम को नहीं खींच सकते हो क्योंकि प्लांट के अंदर स्टेम फ्लेक्सिबल नहीं है। इसमें क्या है, जैसे कोई स्टेम है, ठीक है, आपने इसको स्क्रैप आउट किया, स्क्रैप आउट किया, ठीक है, इसको स्क्रैप आउट किया, उसके बाद आपने इसको पीट मॉस से बांध दिया। पीट मॉस, मॉस क्या होता है, ब्रायोफाइट होता है। ब्रायोफाइट, जैसे हमने कोई ब्रायोफाइट का प्लांट लिया, इसे पत्ती की तरह जो कि डिफरेंशिएट नहीं है, उसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। इसलिए आप देखना कि जैसे हम लोगों को फ्लावर्स को बांधना होता है, या आप किसी फ्लावर वाले के पास जाना, वो आपको हरे पत्ते में उसको बांध के देगा जिससे कि फ्लावर्स फ्रेश रहे, क्योंकि उस मॉस लीफ में, उस मॉस की बॉडी में, यू कैन नॉट से लीफ, मॉस बॉडी में क्या है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है, ठीक है। अब तीसरा क्या आता है, ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग में क्या है, हम लोग दो डिफरेंट प्लांट्स को कनेक्ट कर रहे हैं फॉर मोर वैरायटी, ठीक है। अगर एक प्लांट की हमने रूट उठाई तो हम उसको बोलेंगे स्टॉक, अगर शूट उठाई तो स्कियोन, जिसको ग्राफ्ट भी बोलते हैं। दोनों को क्या कर दो, आप ज्वाइन कर दो। देखो ये ऐसे उठाते हैं अपन, एक प्लांट है। अब सिर्फ रूट नहीं उठा सकते, आपको थोड़ा सा उसका स्टेम पार्ट भी उठाना पड़ेगा। और ये क्या है, स्टॉक, ये स्कियोन। अब क्या करो, आप ज्वाइन कर दो। आ रही बात समझ में स्टूडेंट्स, आप क्या करो, इसको ज्वाइन कर दो। अरे यार टॉपिक इंटरेस्टिंग है, मजे से पढ़ो। देखो लाइक शेयर सब्सक्राइब तो करना मत भूलना, मुझे पता है आप मेरे बहुत अच्छे बच्चे हो, आप करते हो। यहां पर आपने इसको बांध दिया, ये कॉम्पोजिट प्लांट, इसमें इसकी भी वैरायटी है, इसमें इसकी भी वैरायटी है। आप किस तरीके का रूट लेना पसंद करोगे, गुड वाटर एब्जॉर्प्शन, मतलब जो रूट है वो कैसी होनी चाहिए, गुड एंकरेज, गुड रूट सिस्टम, एब्जॉर्ब लॉट ऑफ वाटर, रेजिस्टेंट टू डिजीजेस, ठीक है। और स्टेम भी कैसे लोगे आप, हार्ड। तो जो न्यू प्लांट बनेगा उसमें स्टॉक की भी, ये स्टॉक की भी क्वालिटी आ गई और स्कियोन की भी क्वालिटी आ गई। अब देखो इसमें बहुत तरीके के प्रोसेस, जैसे वेज है, टंग है, क्राउन है, अप्रोच है, वेज ग्राफ्टिंग इज बेस्ट। इसमें क्या होता है, आपको जैसे ये ऐसे वेज कट लगाना पड़ता है, ये यूं गए ऐसे वेज, और वेज ही क्या करना पड़ेगा, इसको ज्वाइन भी करना पड़ेगा, वेज कट, ठीक है। जैसे आपने, जैसे ये देखो आपने प्लांट को कट किया तो कैम्बियम एक्सपोज्ड, ठीक है, कैम्बियम दोनों मिलेंगे और मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी कर देंगे। तो मैंगो, एप्पल, पियर, सिट्रस, गुआवा, रबर, प्लम, पीच, आजकल क्या है, मैंगो आपको पूरे साल भर कभी कभार दिख जाता है मिलना, एप्पल तो साल भर ही आते हैं, इट इज ड्यू टू ग्राफ्टिंग। अब देखो, अब हम लोग अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे जाए तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, फार मोर डेवलप्ड एंड इवोल्यूटेड देन ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्योंकि यहां पर सेक्स ऑर्गन्स आएंगे तो गैमीट्स बन जाएंगे,
ठीक है, गैमीट्स का फ्यूजन होगा तो जाइगोट बनेगा, जाइगोट से एम्ब्रियो बनेगा, ठीक है, जाइगोट से क्या हो जाएगा, एम्ब्रियो बनेगा। अब देखो, इट इज अ टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, कॉम्प्लिकेटेड एंड मोर इवॉल्व। मेल पेरेंट के मेल सेक्स ऑर्गन मेल गैमेट, उसके अपने कैरेक्टर। फीमेल प्लांट बॉडी का फीमेल सेक्स ऑर्गन, उसका फीमेल गैमेट, उसके अपने कैरेक्टर्स। तो बाई पेरेंटल है, सेक्सुअल क्यों है, क्योंकि दो पेरेंट्स इन्वॉल्व हैं, दोनों में सेक्स ऑर्गन्स हैं, दोनों में गैमीट्स हैं, ठीक है। मेल पेरेंट को आप फादर कहोगे, फीमेल को आप मदर कहोगे, तो जो ऑफस्प्रिंग बनेगा डेफिनेटली ना तो वो अपने बिल्कुल फादर का क्लोन होगा, ना ही मदर का क्लोन होगा। एक्चुअली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मदर फादर के तो कैरेक्टर्स आते हैं, पर ऑफस्प्रिंग्स अपने खुद के न्यू कैरेक्टर्स को भी डेवलप करता है, इसलिए चाहकर भी हम अपने मदर फादर के क्लोन नहीं बन सकते। ट्विंस में, ट्विंस के केस में नो डाउट जो ऑर्गेनिज्म, जो ऑफस्प्रिंग्स बनेंगे वो आपस में सेम होंगे। क्यों? क्योंकि वो एक ही जायगोट के दो डिवीजन से बने हैं, तो ऐसा जैसा जायगोट आगे वाला भी वैसा जायगोट। पर कभी कभार आप देखना ट्विंस भी एग्जैक्टली आइडेंटिकल नहीं होते हैं, या वो होते भी हैं तो धीरे धीरे थोड़ा टाइम निकलने के बाद उनमें कुछ डिफरेंस नजर आता है, ठीक है। यहां पर एसेक्सुअल में यूनिपेरेंटल था सेल डिवीजन, तो एकमात्र तरीका है कराने का, लेकिन वहां पर सिर्फ माइटोटिक था, यहां पर माइटोटिक एज वेल एज मियोटिक। क्योंकि अगर सेक्स ऑर्गन है तो मियोसिस से ही गैमीट बनेगा, और गैमीट के फ्यूजन से जो जायगोट होगा उसमें फिर माइटोसिस से एम्ब्रियो बनेगा, ठीक है। एवोल्यूशन होगा, वेरिएशन ज्यादा आएंगे, ठीक है। जैसे मेल गैमीट फीमेल गैमीट, मेनली इसकी शेप कैसे होगी, ऐसे स्पर्म, ठीक है। अब जायगोट एम्ब्रियो, तो जायगोट से एम्ब्रियो कैसे बना, माइटोटिक, और ये कैसे बने थे, मियोटिक। तो पहले मियोसिस होगा, गैमीट बनेगा, उसके बाद आगे के लिए आपको माइटोसिस फॉलो करना है। देखो यहां पर जो प्रेजेंस ऑफ सेक्स है वो सेक्सुअलिटी बताता है। प्रेजेंस ऑफ सेक्स होना मतलब सेक्स ऑर्गन्स का होना, ठीक है। तीन फेसेस में है, प्री फर्टिलाइजेशन, ठीक है, फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन। प्री फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या होता है, फर्टिलाइजेशन मतलब फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट विद द फीमेल गैमेट। तो पहले बना तो लो, तो पहले क्या करना पड़ेगा, सेक्स ऑर्गन्स को बनाना पड़ेगा, उनको मैच्योर करना पड़ेगा, और उनका मैच्योर का काम ही का मतलब क्या काम है, उनका गैमेट का फॉर्मेशन। सो गैमेटोजेनेसिस, मेल पेरेंट स्पर्म बना रहा है, मेल पेरेंट के अंदर मेल सेक्स ऑर्गन है, मेल गैमेट बन रहा है स्पर्म, तो स्पर्मेटोजेनेसिस। फीमेल बॉडी के अंदर फीमेल सेक्स ऑर्गन है, फीमेल गैमेट बन रहा है ओवा, तो ओजेनेसिस, ठीक है। अब सेक्सुअलिटी कैसे देखोगे, देखो फ्लावर है, बाइसेक्सुअल कब होगा, जब मेल और फीमेल दोनों एक में होंगे, चाइना रोज एंड हिबिस्कस। फ्लावर में अगर एक बार में एक ही सेक्स ऑर्गन है, देखो मेल सेक्स ऑर्गन को बोलते हैं स्टेमन और कार्पल। जैसे आपने फ्लावर को खोला, आपको दोनों सेक्स ऑर्गन एक साथ दिख गए, बाइसेक्सुअल। फ्लावर को खोला एक बार में एक दिखा, सपोज मेल दिखा तो स्टेमिनेट, सपोज करो फीमेल दिखा तो पिस्टिलेट, तो कार्पल को पिस्टिल भी कहते हैं, ठीक है। ये ऐसे शेप का होता है स्टेमन, एंथर एंड फिलामेंट, और ये यू, गेटिंग माय पॉइंट। अब देखो कॉमन सेंस की बात है, अगर हम और ज्यादा देखें तो वन फ्लावर हैविंग बोथ दी सेक्स ऑर्गन्स हैज टू फ्लावर, वन हैविंग मेल सेक्स ऑर्गन, अदर है फीमेल सेक्स ऑर्गन। देखो कहने का क्या मतलब है कि ये एक फ्लावर है,
इसमें मेल भी है और फीमेल भी है, दो फ्लावर हैं, मेल भी है और फीमेल भी है, वन प्लांट, एक ही प्लांट के एक ही फ्लावर पे दोनों सेक्स ऑर्गन है, ये भी वन प्लांट है पर दो फ्लावर हैं, एक फ्लावर में एक बार में एक सेक्स ऑर्गन है, ठीक है। अब देखो, प्लांट हैविंग आइदर मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन डायोशियस, मींस प्लांट है उसमें एक फ्लावर है मेल, ये प्लांट नंबर वन है, फिर प्लांट नंबर टू आया उसमें फ्लावर है फीमेल, प्लांट नंबर टू। जब हम लोग सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म की बात करते हैं, पॉपुलेशन को पूछते हैं, तो मेल हो तुम फीमेल हो मतलब अलग अलग दिख रहे हैं। एनिमल्स के केस में अगर एक ही एनिमल में दोनों सेक्स ऑर्गन है तो बाइसेक्सुअल, जिसे हर्माफ्रोडाइट ऑर्गेनिज्म भी कहते हैं, और अगर अलग अलग है, जैसे ये मेल पॉपुलेशन है इसमें मेल सेक्स ऑर्गन है, मेल ही गैमेट बनेगा, ये फीमेल बॉडी है, ये फीमेल पॉपुलेशन है, फीमेल सेक्स ऑर्गन है, फीमेल गैमेट ही बनाएगी, मीन्स द पॉपुलेशन इज एग्जिबिटिंग रिमार्केबल सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म। अब गैमेट बन गए, फ्यूजन करा दो, फ्यूजन सिनगैमी फ्यूजन। वैसे गैमी का मतलब क्या होता है, गैमी का मतलब होता है मैरिज, दो लोगों को मिलाओ, यहां पर दो गैमीट को मिलाओ, ठीक है, कैन बी ऑफ टू टाइप, एक्सटर्नल, ठीक है, जैसे बॉडी है मेल फीमेल, ऐसे भी हो सकती है मेल फीमेल, गैमीट्स बाहर आ गए गैमेट। बॉडी के अंदर है सेक्स ऑर्गन्स, बॉडी के अंदर ही गैमेट बन रहे हैं लेकिन बाहर निकाल के फर्टिलाइजेशन कर रहे हो, कोई ना कोई मीडियम अवेलेबल होगा जो दोनों को करीब ला पाए, वाटर। पर ये क्या सक्सेसफुल नहीं, जैसे आपने पानी में छोड़ा, इधर उधर भाग गए, या कोई अटैकर आ गया उसने अटैक कर दिया, अंडे मर गए, फिर क्या करोगे, ठीक है। तो बेस्ट क्या है, इंटरनल, ये क्या है, नॉट रिलायबल, ये क्या है, रिलायबल नहीं है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन में क्या है, एक बॉडी है, बॉडी के अंदर मेल सेक्स ऑर्गन फीमेल सेक्स ऑर्गन है, कोई दिक्कत नहीं है, फर्टिलाइजेशन हो गया, मेल बॉडी है फीमेल बॉडी है, मेल ने मेल गैमेट को निकाला, फीमेल में जाकर इंसर्ट कर दिया, तो ये क्या है, ज्यादा कंजर्वेटिव है, ज्यादा प्रोटेक्टिव है, गुड रिजल्ट्स। हमारे केस में मदर कैरी करती है चाइल्ड को, पूरा 9 मंथ्स प्रोटेक्शन देती है, गेट गुड रिजल्ट। अब क्या होता है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, यहां पर जो जाइगोट बना है, जो जाइगोट है वो यूनिसेल्यूलर है, ठीक है, एक ही सेल का है। अब ये क्या करेगा, डिवीजन करके मास ऑफ सेल्स बना लेगा, बॉल ऑफ सेल्स, एम्ब्रियो, ठीक है। तो एम्ब्रियो का बनना क्या होता है, एम्ब्रियोजेनेसिस, एम्ब्रियो बन गया। अब देखो एम्ब्रियो क्या होता है, यूटरस में इम्प्लांट होता है, एम्ब्रियो इम्प्लांट इन यूटरस, ठीक है, इससे क्या होती है, प्रेगनेंसी कंफर्म हो जाती है, और पूरे 9 मंथ्स मदर उस एम्ब्रियो को कैरी करती है, एम्ब्रियो डेवलप होगा, फीटस बनेगा, और फाइनली आफ्टर 9 मंथ जब पार्चुरेशन का टाइम आएगा, डिलीवरी का टाइम आएगा, कि जो भी अंदर न्यू बॉर्न बन रहा है, वेदर इट इज अ मेल चाइल्ड और अ फीमेल चाइल्ड, उसको क्या करना है, बॉडी से बाहर निकालना है। सो 9 मंथ्स ऑफ जेस्टेशनल पीरियड, गेटिंग माई पॉइंट, नरिशिंग, ठीक है, पार्चुरेशन दैट डिनोट लेबर पेन, फीमेल को इंडिकेशन मिल जाएगा कि अब क्रैम्प्स आ रहे हैं यूट्रस में, नाउ द बेबी इज रेडी टू मूव आउट, दैट्स इट।
तो फाइनली हम लोगों ने रिप्रोडक्शन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म जो पहला टॉपिक है स्टूडेंट्स, क्या ये टॉपिक बेसिक टॉपिक है, बहुत ही बेसिक टॉपिक है। इससे क्या है, सब कुछ कवर कर लिया है। इससे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी कर लिया इन फ्लावरिंग प्लांट्स, इसमें ह्यूमन रिप्रोडक्शन भी हो गया है, एंड फाइनली आपका जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है वो तो डिफरेंट है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, जैसे रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स को देखा तो सेक्सुअल और हम लोग ह्यूमन को ले लेंगे, फिर जब मैं प्लांट फिजियोलॉजी करूंगी तो कुछ को टॉपिक उनको सीरीज में करूंगी। मैं तो यही कहूंगी स्टूडेंट्स, धीरे धीरे सब कुछ पढ़ते जाओ, क्वेश्चंस भी करवा दूंगी, दो बार नीट करा दूंगी, बस जुड़े रहो सेशन में रेगुलरली आना, ठीक है। तो अब फाइनली अगेन मैं कहूंगी अनअकैडमी लर्निंग ऐप को इंस्टॉल करिए, नीट यूजी का 1 and 2 year सब्सक्रिप्शन इज बेस्ट, और आपको मेरा कोड MB10 यूज करना है 10% डिस्काउंट के लिए। दूसरी बात, अभी की अभी अगर भूल गए हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करो, और स्टूडेंट्स को बताओ जिन्हें नहीं बताया कि एमबी मैम अब अनअकैडमी पर है, लेट्स क्रैक नीट यूजी। सो स्टूडेंट्स, लेट्स क्रैक नीट विद मी इन अनअकैडमी ऑन दिस चैनल ऑफ लेट्स क्रैक नीट यूजी। अब अगली बार मिलेंगे वापस से एक न्यू सेशन के साथ, 1 short 1 video। ओके स्टूडेंट्स, टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे।